When the professor is speaking, Professor Hello. DP sir, we are able to view your camera. Professor DP sir, we are able to get your video. Please go on a mute. Yeah, unmute. Alexa, can you unmute and can you able to hear me? Diksha? Yeah. Asmini, don't mute me. Diksha, can you able to hear me? But
Your audio is Ashwini. Can you unmute? Sir, you are on an app. Professor DP Singh, audio, can you unmute? Yeah, Professor, now it is unmuted. Can you? आपका अनम्यूट है दीक्षा जी, आपका अनम्यूट है. हेलो Ganesh, is it that all of you know what? हाँ, Webex पे मैंने join कर लिया है. तो आप लोग अभी nobody is on, right?
Professor DP Singh, sir, I have a small request. Can I ask you to unmute your line and speak, please? There is a phone icon, unmute and speak, sir. Professor, sir, you can go ahead and speak now. Can't hear you in the meeting, but you're on an DP Singh, sir, can I ask you to log out and re-log in again, sir? Let them rejoin the meeting. Ma'am, can you go ahead and speak in the meeting, please? Can anybody hear anybody? Hello? Sir, it's audible, sir. Just ask if we can hear you in the meeting. We all are waiting for.
unmute aagi okay not మేల్ పెట్టండి సార్ టైం సార్ ఒకసారి అది ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నామా లేదా నాకు తెలిసి మనం చేస్తున్నాం అదే లాగా कोशिश कर रहा हूँ हो गया शायद अभी कुछ सुन रहा है आप बताओ नहीं वहां पहुंच तो गया हूँ कुछ लोग दिख भी रहे हैं थोड़ा सा मतलब
नमस्कार 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 नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर अमय कुमार राव एडवाइजर नैक एंड कोऑर्डिनेटर दिस प्रोग्राम टू टेक ओवर थैंक यू सर गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन आई प्रोफेसर अमय कुमार राव एडवाइजर नैक आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर एस सी शर्मा जी निर्देशक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से आग्रह करता हूं कि वे स्वागत संबोधन करें सर प्लीज नमस्कार वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक ऐसा है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे इसका भावार्थ महापुरुषों की क्रिया शक्ति तब प्रकट होता है जब वो अपने हथियार सेना आधारिक संरचना इत्यादि के न होने की बावजूद भी जीत प्राप्त करता है माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशांक जी प्रतिष्ठित संस्थानों की कुलपति और निर्देशकों महाविद्यालयों के प्राचार्यों और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों और मेरे प्रिय सहयोगियों आप सभी को नमस्कार इस शानदार कार्यक्रम में 45,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ माननीय मंत्री जी बातचीत कर रहे हैं श्री रमेश पोखरियाल निशांक जी जो दूरदर्शी और बहुमुखी नेता है उनके गतिशील नेतृत्व में भारत की उच्च शिक्षा में कई पहल की है स्वयं प्रभा योजना के तरह 32 शैक्षिक चैनलों को शुरू करने से मुद्दों को संबोधित करने में उनकी तीव्रता दिखाई देता है मूक एनटीपीएल और स्वयं को विकसित करने में एमएचआरडी के पूर्वानुमान होने से वास्तव में संकट की स्थिति में अब काम आ रहे हैं नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए आपके साथ काम करने में हमें प्रसन्नता है वस्तुत राष्ट्र को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रभावशाली नीतियों से बड़ी आशाएं है एमएचआरडी को उनके निरंतर समर्थन मार्गदर्शन और प्रेरणाओं के लिए
आभार व्यक्त करता हूँ NAC इस ऑनलाइन इंटरेक्टिव सत्र के लिए 2000 चुनौतियों अवसरों के रूप में देखने के लिए संबोधित कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप लोकप्रिय रहे हैं। वह लोकसभा में हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से संसद के रूप में जनता के प्रतिनिधि है। उनके गतिविधियों के बारे में बोलने के लिए समय और शब्द पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मुझे उनकी साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख करने में गर्व की अनुभूति हो रही है। निशांक जी ने हिंदी में 44 पुस्तकें लिखी हैं, जिनका अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनके उपन्यासों, कहानियों और काव्य ग्रंथों में देशभक्ति के उच्च भाव भरे रहे हैं, जो उनके आंतरिक हृदय को व्यक्त करते हैं। आपके मार्गदर्शन के साथ NAC ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है और NAC की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। केवल समक्षम टीम ऑनसाइट यात्रा को छोड़कर डिजिटल पहलों द्वारा हम वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में संस्थानों तक पहुंच रहे हैं। इस समय में NAC जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, MHRD को उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और प्रेरणाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। NAC इस ऑनलाइन इंटरेक्टिव सत्र के मेजबान के रूप में कार्य करने के लिए हम सभी को गर्व की अनुभूति है। चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने विषय पर कोविड 19 महामारी और भारत के उच्च शिक्षा में संघर्ष के उपाय, यह कार्यक्रम से सभी प्रतिभागियों को प्रेरित होने के लिए मेरी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह जी, NAC एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी भी सम्मिलित रहेंगे। साथ देश के हर प्रांत और केंद्र प्रशासनिक स्थानों से लगभग 1000 यूनिवर्सिटी, 45,000 से जो उच्च शिक्षा संस्था के लिए प्रोफेसर्स, 12,000 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड मोर देन 77,000 पार्टिसिपेंट्स आर लाइव अलोंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। अब मैं माननीय प्रोफेसर DP सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे दो शब्द कहें, इसके बाद माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी से निवेदन करता हूं कि हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। मेरा हिंदी भाषा बोलने में इतना उच्च स्तर का नहीं रहा है, इसलिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। नमस्कार। नमस्कार, सबको प्रणाम। I am Professor S. Srinivas from Tumkur University. I take this opportunity to thank MHRD and NAC for organizing this historical event, which goes a long way in achieving the aspirations of higher education in India.
Once again, I thank all the organizers for arranging this wonderful event. Thank you. Professor D.P. Singh. चौहान साहब कुछ बोलना चाहेंगे? यदि डीपी सिंह साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं तो चौहान साहब से आग्रह करेंगे कि वो अपना उद्बोधन करें। सर आप सबको जी जी सुन रहे हैं। हम लोग आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये निमंत्रण स्वीकार किया। मैं इसलिए कहने को तो बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ एजुकेशन के बारे में, मगर अभी इतने लोग आपको सुनने को तैयार है तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप जल्दी से अपना हमको बताइए और जितना देर तक बताइए उतना अच्छा। आपको सुनने के लिए हम लोग से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमंत्रण स्वीकार करने का। धन्यवाद चौहान जी। क्या डीपी सिंह साहब जुड़ पा रहे हैं? अभी तो आए थे, पहले थोड़ी देर पहले तो वो दिख रहे थे, मुझे लगता है कोई व्यवधान हो गया है। सर डीपी सिंह जी का ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है। आपने आपका भाषण शुरू कर दीजिए, डीपी सिंह साहब बाद में आपका भाषण के बाद डीपी सिंह साहब सर बोलेंगे। ओके। मुझे खुशी है कि आज नेक ने एक ऐसे अवसर पर, जबकि पूरी दुनिया इस समय कोरोना की महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और ऐसे वक्त पर जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है और उसके तमाम संस्थानों के लोगों को जोड़ करके इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एकजुट किया है, तो मैं नैक के चेयरमैन को और निदेशक डॉक्टर शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अच्छी पहल की है। और हमारे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह साहब हैं, वो भी लगातार इन गतिविधियों में लगातार सक्रिय हैं और मुझे लगता है वो अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जैसे शर्मा जी ने बताया कि आज हमारे साथ 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और उनके वरिष्ठ सहयोगी गण हमारे साथ और तमाम बड़े संस्थानों के लोग इस आयोजन में जुटे हुए हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इस बीच इस जो संकट के समय में जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन ने अपनी गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाया और एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक सप्ताह और एक एक पल का उपयोग किया अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को, उनका मनोबल न गिरे, वो सुरक्षित रहें, वो पढ़ने की दिशा में भी आगे बढ़े। तो अभिभावक ने और अध्यापक गण ने, आप सब लोगों ने जिस तरीके से जो काम किया है वो निश्चित रूप में भविष्य में प्रेरणाप्रद के नाम से जरूर लोग उसको महसूस करेंगे। मुझे क्योंकि मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगातार मैं मिला हूँ, बातचीत की है, मैं देश के सभी अभिभावक गण से मिला हूँ, बातचीत की है, सीधा सीधा संवाद हुआ है, मैं देश भर के सभी छात्र छात्राओं के साथ भी मैंने संवाद किया है, बीच में अध्यापक गण के साथ भी मैंने, टीचर्स के साथ भी संवाद किया है और
शर्मा जी का ये सुझाव था कि जो हमारे डिग्री कॉलेज है विशेष करके पूरे देश के लगभग 50,000 है, 45,000 और 50,000 के बीच उनकी संख्या है, शायद 50,000 के ही आसपास होगी, तो ये इतना बड़ा जो तंत्र है उसके साथ कैसे करके एक बार संवाद हो, तो ये पहल नैक ने की है और मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश का शिक्षा जगत इस समय हम लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस समय मैंने देखा कि बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, सुझाव आए हैं। यदि वक्त होता तो एक एक प्रश्न को पढ़ा भी जाता और सुना भी जाता, लेकिन मैं संक्षिप्त में क्या क्या लगभग लोगों की मंशा है, क्योंकि लाखों लोग आज केवल 1,000 विश्वविद्यालयों के और उनके सहयोगी और 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज और उनके सहयोगी नहीं जुड़े हैं, और भी शिक्षा जगत से जो लोग हैं वो भी आज आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है लाखों नहीं करोड़ों में लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये तो पूरा शिक्षा जगत पूरी दुनिया का इतना बड़ा हमारा परिवार है हिंदुस्तान का, जिसमें 1,000 से तो अधिक विश्वविद्यालय हैं, इस परिवार में 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज हैं, इस परिवार में यदि स्कूली शिक्षा में मैं देखूं तो 15-16 लाख स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक गण हैं, और कुल आबादी जितनी अमेरिका की नहीं है उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान में छात्र छात्राएं हैं। ये है बड़ा वैभव, ये हमारी संपदा, ये किसी भी परिवार का जो छात्र है, बच्चा है, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का, वही भविष्य है, वही निधि है हमारी। उस भविष्य को संरक्षित करना, उस भविष्य को आगे बढ़ाना, उस भविष्य को किस तरीके से हम संवार करके पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, ये छोटी बड़ी छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है, कैसे विकट समय में भी, वैसे मैं पीछे 1 साल से लगातार चाहे हमारे कुलपति गण है, चाहे निदेशक गण है, और चाहे प्रिंसिपल गण है, विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी गण है, चेयरमैन लोग हैं, सबके साथ सीधा सीधा मेरा संवाद भी होता है, मीटिंग भी होती है, मैं देश के कोने कोने में विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो दीक्षांत समारोह के रूप में आयोजित कार्यक्रम रहे होंगे या अन्य अन्य तमाम कार्यक्रमों में, लगभग देश का हर कोना मैंने इस 1 वर्ष में देखा है, संस्थानों को देखा है, संस्थानों को चलाने वाले मेरे जो लीडर हैं उनके साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है, और जो उन संस्थानों के अंदर काम हो रहा है, जिस मिशन मोड में काम हो रहा है, शोध अनुसंधान हो रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे संस्थान, जो जिन लोगों, जिन संस्थानों को आप लीड कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं आप, उनमें अद्भुत क्षमता है, उसमें विश्व के शिखर पर जाने का मादा है, और इसलिए मुझे भरोसा है कि जब हम ये परामर्श कर रहे हैं, और आपने अच्छा विषय दिया, आपने दिया कि चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलना, और बदले परिवेश में जो COVID-19 की जो महामारी है और विश्व की उच्च शिक्षा में संघर्ष के उपाय हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि यदि चुनौती सामने बड़ी हो और उसी बड़े मन और बड़े ताकत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ उस चुनौती का यदि मुकाबला हो, तो वही चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है, और अभी वो हम देख रहे हैं। आपने देखा कि इस कोविड की महामारी में जहां पूरी दुनिया गहरे संकट से होकर के गुजर रही है, पूरी मानवता थर्रा रही है, जहां त्राहि त्राहि मची हुई दुनिया के छोर छोर में, वो देश जो अपने को बहुत विकासशील मानते हो, आज वो देश भी कैसे चौराहे पर खड़े हैं आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश की ये जो रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, जो सर्वप्रथम उसका आधारशिला होती है, उस शिक्षा से जुड़े जो ये योद्धा हैं, मैं तो योद्धा ही कहता हूं, मैंने पीछे के दिनों में एक लेख लिखा था कि जो शिक्षा के, जो हमारे शिक्षक हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, ये भी कोरोना के योद्धा हैं,
इसलिए योद्धा हैं कि एक एक मिनट एक एक क्षण संवाद अपने बच्चों को 24 घंटा मन मस्तिष्क में है, मेरा काम कैसे आगे बढ़े, बच्चे की सुरक्षा भी हो, उसकी मनस्थिति भी हम बचा करके रखें और उसको मनोबल ना गिरे उसका, वो अवसाद में ना जाए। चौतरफा चुनौती हम लोगों के सामने रही है, लेकिन आप जिस तरीके से उस चुनौती का आपने मुकाबला किया है, इस बीच में देख रहा हूं, देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का शिक्षा जगत के लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए और मन बनाया है। मुझे बहुत खुशी होती, मैं आपको आप बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे सवाल आए, सवाल कुछ नई शिक्षा नीति पर है, सवाल ऑनलाइन शिक्षा पर है, सवाल जो दूरस्थ क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में कैसे छात्र, यदि जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो छात्र कैसे पढ़ेगा, इस तरीके के सवाल हैं। ये महाविद्यालयों में कब परीक्षा होगी, फिर कैसे करके संस्थान खुलेंगे, इस तरीके के सवाल हैं। ये जो जेईई है और नीट है इसकी परीक्षा की तिथियां हमने घोषित की, तो फिर वो कैसे करके परीक्षा देंगे और तैयारी कैसे करेंगे, इस तरीके के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं मोटा मोटा यदि देखें। हाँ, और रिक्तता का भी आई कि बहुत सारे महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं, विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, तो उनकी कैसे करके इनको भरा जाएगा। तो जो भी सारे लगभग लगभग सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस अवसर पर जो आपने कहा कि चुनौतियों के अवसर हैं और उसमें जो चुनौती है उनको अवसरों में तब्दील करना है, ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं उन लोगों के सवालों का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने सवाल अभी आ ही रहे हैं सवाल, और उनका जो निचोड़ है, तो आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति आई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को एक के बाद एक कार्यक्रमों को आयोजित किया, निर्णय लिया और नए अभियान के साथ बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया। यूजीसी के स्कूली शिक्षा में जहां हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक टास्क फोर्स गठित की कि वो तय करेगा कि किस किस तरीके से आगे इसका शैक्षणिक कैलेंडर इन प्रस्तुतियों में होगा, ऐसे ही उच्च शिक्षा में भी यूजीसी के चेयरमैन के संरक्षण में एक टास्क फोर्स नीचे वहां भी गठित की है, और जिसने पूरा का पूरा शैक्षणिक ये जो वर्तमान में परिस्थितियों में उसको कैलेंडर भी बनाया और आगे किस तरीके से छात्र एक तो सुरक्षित रहे, एक जो छात्र अपने अपने घरों पर पहुंच गए सुरक्षित है, कुछ छात्र हमारे अभी भी जो हॉस्टल में है और उनका पारस्परिक समन्वय कैसा हो, और आगे जुलाई से परीक्षाएं सुनिश्चित की हैं। मुझे आशा है कि जुलाई तक यदि सामान्य स्थिति हुई तो जुलाई में परीक्षाएं आयोजित होंगी, किस तरीके से होंगी वो, सामाजिक दूरियों की क्या होगी, सुरक्षा का क्या होगा, यातायात का क्या होगा, तमाम व्यवस्थाओं पर वो टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट भी दे रही, उसने अध्ययन भी कर दिया, और गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के परामर्श से हम उन परीक्षाओं को आयोजित करेंगे। हमारे लिए छात्रा की सुरक्षा पहला है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उस समय तक भी सामान्य स्थिति नहीं होगी, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र होगा, पहले वर्ष का होगा, वो उसका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर उसको पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि दूसरे तीसरे जो वर्ष के होंगे सेमेस्टर के होंगे वो पहले वाले सेमेस्टर का उसका जो अंक होगा उसका 50% और जो वर्तमान में उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा उन दोनों का तो उसके 50% उसके 50% इन दोनों के मूल्यांकन से उसको आगे किया जाएगा, जबकि फाइनल परीक्षा होगी वो कब होगी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उसके लिए आगे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वैकल्पिक दृष्टि से सारे लोगों का निर्धारित किया है, शैक्षणिक कैलेंडर बाकायदा जारी भी कर रहे हैं, और एक के बाद ये भी कह दिया कि सभी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में और जैसे हमने यूजीसी में यूजीसी के अंतर्गत एक कोर टीम बना करके
एक ऑनलाइन लोगों के जो छात्रों के सहयोग के लिए एक कैसे करके एक कमेटी गठित की है, एक प्रकोष्ठ गठित किया है, तो ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालयों से नीचे फिर महाविद्यालय के अंदर भी छात्र को कोई परेशानी न हो, वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करने की बात की गई है। लेकिन छात्र हमारे जो मेन धुरी में है वो छात्र का हित है, वो हमारी संपत्ति है। छात्र छात्रा कैसे करके सुरक्षित हो करके और आगे बढ़े, ये हम लोगों ने किया। और यूजीसी ने ये भी तय किया है कि जो भी यदि किसी को वहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो सीधे यूजीसी के उस प्रकोष्ठ में भी वो अपनी बात कह सकता है, और जरूरत पड़ेगी तो मंत्रालय तक भी अपनी बात को रख सकता है। तो हर स्तर पर, हर स्तर पर और लगातार निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय लेकर के उसके पक्ष में क्या बेहतर हो सकता है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने अभी कहा कि ये प्रश्न पूछे गए कि जो नीट है और जेईई जो मेन है और एडवांस परीक्षा है उसकी तिथियां तो हम लोगों ने घोषित की। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसके सामने ये कठिनाई है कि वो कैसे तैयारी करे, वो बाहर जा नहीं सकता। तो मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप NTA ने बनाया है, अद्भुत बनाया है। किसी छात्र को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके आधार पर अपने टेलीफोन पर जो है डाउनलोड करे और करे नहीं कर दिया। अभी 3 दिन पहले जिसको हम लोगों ने 3 दिन पहले उसको शुभारंभ किया, अभी तक 470,000 छात्रों ने उसको डाउनलोड कर दिया, जबकि 460,000 स्वयं का टेस्ट भी दे चुके हैं। तो ये अद्भुत छात्र के हित में हम लोगों ने किया कि कैसे करके इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो बार 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 जो है जिस तरीके से हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं उसको हम लगातार बोल रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने पहले भी आग्रह किया कि जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको सभी को कहा, चाहे हमारे अध्यापक गण है चाहे हमारे छात्र गण है, वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो स्वास्थ्य विभाग ने हमको एक सेतु दिया है हमारे जीवन को का प्रबंधन ऐसे क्षणों में अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको भी हमारे छात्र छात्राएं और हमारे तमाम शिक्षा विद जो है उसको भी ले रहे हैं, ये भी मुझे खुशी है। जो दूसरा सवाल आपने किया वो भी बहुत जायज है कि अचानक जो है पूरा देश ऑनलाइन पर आया, ये बात सही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने आज जो सेमिनार रखा है, ये जो आयोजन रखा है, वेबिनार रखा है, निश्चित रूप में ये आज की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या इन चुनौती को अवसर के रूप में क्या कर सकते हैं। तो आपने उस चुनौती को अवसर के रूप में लिया है। ऑनलाइन कोई सोचता नहीं था, न देश ने सोचा, न दुनिया ने सोचा, न हमने सोचा, न छात्र ने सोचा और न अभिभावक ने सोचा, और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी भी परिस्थितियां आ जाएंगी कि बच्चा घर पर रहेगा और उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। लोग चिंतित थे, लेकिन ये अवसर हमने अपने हाथ से जाने नहीं दिया है, और हमने पूरे देश को, चाहे स्कूली शिक्षा है चाहे उच्च शिक्षा है, इसको हम ऑनलाइन पर लाए हैं। हम स्वयं प्रभा के माध्यम से और NDL के माध्यम से किया है, और बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले, आपको मालूम है कि जो हमको आर्थिक पैकेज दिया शिक्षा को, वो 3-4 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई आगे कैसी बढ़ सकती है शिक्षा, वो तो दिया ही, लेकिन PM जो प्रधानमंत्री जो ई विद्या का जो ऑनलाइन कैसे करके बढ़ सकता है, ई विद्या बहुत बड़ा एक राष्ट्र एक पोर्टल हो जाएगा, एक विषय में एक चैनल हो जाएगा। तो जिस तरीके से एक विषय का एक चैनल हो जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा देश आ जाएगा, और वो हमने किया। आपको इस बात को जान करके खुशी होगी कि हमारे दीक्षा पोर्टल पर करोड़ों करोड़ों जो है लोग छात्रों ने उसका उपयोग कर रहे हैं। हमने ई पाठशाला पर बहुत करोड़ों करोड़ों छात्र जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे स्वयं है उच्च शिक्षा में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा हो गया, ये स्वयं दुनिया का। और मुझे ऐसा लगता है
कि आपकी जो दूसरी चिंता थी वो दूसरी चिंता भी नाजायज चिंता थी कि जो छात्र बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं होगा, उसके पास नेट की सुविधा नहीं होगी, तो वो कैसे करेगा। इसीलिए हमने स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल है इन 32 चैनलों को और सशक्त किया है। ये जो स्वयं प्रभा के 32 चैनल है ये डीटीएच पर आएंगे, ये टाटा स्काई पर आएंगे, ये रिलायंस पर आएंगे, ये डिश टीवी पर आएंगे, ये दूरदर्शन पर आएंगे और 24 घंटे आएंगे। जो छात्र के पास और कोई सुविधा नहीं है वो अपने टेलीविजन में वो अपने पाठ्यक्रम को देख सकता है, ले सकता है। और वो चाहते हैं हम अंतिम छोर पर भी बैठे रहने वाला बच्चा उसको भी शिक्षा मिले, अंतिम छोर पर रहने वाला, और वो भी ना छूटे, उसको चाहे हमको रेडियो के माध्यम से जाना पड़े, जिस माध्यम से भी जाना पड़े हम जाएंगे। और उसके लिए हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, हम लोग काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं और इन 2 महीनों ने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया तेजी से आगे बढ़ने के लिए। हमने उन परिस्थितियों को भी सजोया, हम चुप नहीं बैठे, हम हाथ पर हाथ रख करके भी नहीं बैठे, और हम लोग केवल कोरोना का रोना भी नहीं रोए। आप सब लोगों ने एक योद्धा की तरह डट करके मुकाबला किया, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी होती है इस परिवार में कि सब वैचारिक लोग भी हैं तो प्रखर लोग भी हैं, तो विजन ही नहीं है, मिशन में तब्दील करने की ताकत भी है कि ने जो सोचा वो क्रियान्वित कैसे होगा, और आपने उस काम को करके दिखाया है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि आप रात और दिन जुट करके पहले की अपेक्षा इस समय ज्यादा मेहनत हो रही है, और मेरा जो शिक्षा विभाग है, जो मेरी टीम है, वो भी 15-15, 16-16 घंटे रात और दिन काम करके आज हमने ये ऑनलाइन पर लाए हैं हम पूरी शिक्षा को, और हम आगे बढ़ेंगे, ताकत के साथ बढ़ेंगे। और आपका जो दूसरा तीसरा जो कई लोगों के ये भी प्रश्न थे कि शोध का क्या होगा और शोध का क्या हो रहा, आपको तो मालूम हम स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क के साथ जहां पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं वहीं हम स्टार्स हो या स्ट्राइडो अंतरविषयी शोध हो, उन अंतरविषयी शोध को भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम इम्प्रिंट हो या इम्प्रेस हो, हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्ञान और ज्ञान प्लस में भी, ज्ञान में बाहर की फैकल्टियां जहां हम अपने देश के अंदर लाने के लिए तैयार हैं, वहीं अब ज्ञान प्लस में हमारे जो अध्यापक हैं, क्योंकि मुझे गर्व होता है अपने अध्यापकों पर, हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिभाएं, ये दुनिया को जाएं, दुनिया को पढ़ाने के लिए जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया का छात्र इधर आना चाहिए और जो मेरा छात्र जो अध्यापक है वो दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए, उस लाइन पर है हम। और इसलिए आपने देखा है कि स्टडी इन इंडिया के तहत अभी तक 40,000 से भी अधिक नामांकन हो गए, और अब तो होड़ लग गई है, लोगों की होड़ लग गई है। मुझे भरोसा है इस देश से जो 7.5 लाख बच्चे जो बाहर विदेशों में जाते हैं, अब उनके लिए उनका इन संस्थानों में, जिन संस्थानों को आप सब लोग चला रहे हैं, इन संस्थानों में निश्चित रूप में वो अपना भविष्य तलाशेगा। और हमारी संस्थाएं छोटी नहीं है, बहुत शिखर की संस्थाएं हैं, हमने अब देश और दुनिया में अपने को साबित किया है। हम रैंकिंग में भी अब तेजी से छलांग मार रहे हैं, हम चाहे वो क्यूएस रैंकिंग हो चाहे वो टाइम्स रैंकिंग हो। और इसलिए जो शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि ई शोध सिंधु है या NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 4.5 करोड़ से भी अधिक उस पर सामग्री उपलब्ध है। तो इसलिए शोध छात्रों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जो शोध की आप चिंता कर रहे थे, अभी आपको तो मालूम है कि शोध के लिए एक अलग सा एक जो अभियान चलने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा, वो शोध का एक अभियान अलग चलेगा। और वो अभियान मुझे लगता है कि शोध छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और PMRF जो PM के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी का जो शोध छात्रों के लिए अलग अभियान है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो छात्रों को
चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शोध की दिशा में उनको आगे बढ़ना है। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी है, कुछ लोगों ने बोला कि कोरोना के समय में जो गतिविधियां क्या रही हैं, आपको तो सब मालूम है, आप ही से गुजर रही हैं गतिविधियां। हमारे IIT हो, हमारे NIT हो, हमारे विश्वविद्यालय हो, हमारे महाविद्यालय हो, कितना अनुसंधान हो, ISR हो, IIM हो, इतना अनुसंधान हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, वो क्या कर सकते हैं। तो हमारा छात्र, हमारा अध्यापक आपके नेतृत्व में वो घर पर नहीं बैठा बल्कि प्रयोगशालाओं में जाकर के नया अनुसंधान किया है, जिस पर हमको गर्व होता है। आज चाहे वो मास्क का हो और चाहे वो वेंटिलेटर का हो, एक से एक, चाहे वो किट का, जांच की किट का हो, कम मूल्य में अधिक प्रभावकारी और रिजल्ट देने वाली तमाम 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 प्रकार के जो है उपकरणों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो मुझे लगता है कि इस बीच जिस तरीके से हमारे संस्थानों ने अनुसंधान किया है, अद्भुत है। और इसीलिए हमने, आपने देखा होगा, हमने युक्ति पोर्टल बनाया। युक्ति पोर्टल ये बनाया कि जो जो लोग जहां जहां काम कर रहे हैं वो लोग सब अपने इस युक्ति पोर्टल पर अपनी बातों को डालें, ताकि पूरे देश को पता चले कि मेरे संस्थान क्या काम कर रहे हैं। और आज हम गर्व के साथ सीना चौड़ा कर सकते हैं, माथा ऊंचा कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे छात्र बेहतर अनुसंधान कर रहे हैं और अपने को साबित कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कोरोना के समय में तमाम एक के बाद बहुत सारे अभियान लिए हैं, आपको तो मालूम ही है कि क्या क्या अभियान इस दौरान हम लोगों ने लिए हैं। अभी एक प्रश्न ये भी आया था कि GR बढ़ाने की बात सही है, ये चिंता बिल्कुल आपकी सही है कि हमारा GR कैसे बढ़ेगा और कैसे करके, क्योंकि जो अभी 27% पर हम हैं और इसको 50% तक कैसे करके आगे बढ़ेगा, ये हमारी चिंता है। हमारी दोनों प्रकार की चिंता है। एक अंतिम छोर पर कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, और दूसरा छोर हमारा दुनिया के शिखर पर जाने का है। ये दोनों छोर हैं हमारे, ये वहां की यात्रा उस शिखर तक लेकर के जाने का है, और वो रास्ता हम बहुत तेजी से बना रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं। जहां भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, हर क्षेत्र, हर स्तर और हर हर प्रकार से कैसे करके ये शिक्षा समृद्ध हो सकती है। इसीलिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को भी इस समय हम लोगों ने प्रमुखता दी है। आपको मालूम होगा कि अभी जो हमको पैकेज मिलना था और जो हमारी बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, ये भी कहा था अपने बजट भाषण में कि हम दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों को भी उससे जोड़ेंगे। और अभी जो पैकेज मिला उसमें 100 विश्वविद्यालय में हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाएंगे। अब कई लोगों की बहुत शंका है, अभी कई सारे सवाल उससे भी जुड़े हैं, क्या स्तर बना रहेगा, क्या होगा, क्योंकि जब कोई चीज नई शुरू होती है तो उसके सामने चुनौती होती है, लेकिन जब शुरू होगी तो ही तो उसकी परिणति तक पहुंचेगा। शुरू करेंगे हम, अच्छा करेंगे, इसकी गुणवत्ता पर ताकत के साथ करेंगे। और मैं तो सभी संस्थाओं को कहना चाहता हूं कि NAC पर वो अपना जरूर जरूर करके अपना प्रत्यायन कराएं, वो रजिस्टर्ड हो, हमारी बढ़ेगी, हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारी शिक्षा की गुणवत्ता, हम अपना मूल्यांकन करने का हमको अवसर मिलेगा। ये जब आदमी को अपना मूल्यांकन, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को जब अपना मूल्यांकन करता है तो पता चलता है, तो जो उसमें कमियां होती हैं उनको दूर करता है और जो उसकी जो ताकत होती है उसको तेजी से बढ़ाता है। तो कमियों को दूर करना और ताकत को बढ़ाना, ये दोनों ही छोर उसको नई शिखर तक ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो ऑनलाइन अभी हम लोगों ने शिक्षा शुरू करेंगे और 100 ऐसे विश्वविद्यालय जो शीर्ष के विश्वविद्यालय होंगे, मुझे लगता है UGC इसको तय कर रही होगी कि वो कौन से 100 विश्वविद्यालय होंगे, उसके मानकों को भी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन 100 विश्वविद्यालयों में हम ऑनलाइन शिक्षा करेंगे। और अंतिम छोर का व्यक्ति, अंतिम छोर का बच्चा, जिस जो इन परिस्थितियों में, क्योंकि ये जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं,
ये कब तक और किन परिस्थितियों में आगे हमको झेलना पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, और इसलिए हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम लोग उसके एडवांस तैयारी में जुटे हुए हैं, और फिर यदि ऑनलाइन हम शिक्षा नहीं करते हैं तो जो दुनिया के जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम ये अवसर क्यों देंगे कि मेरे हिंदुस्तान का बच्चा उसको ऑनलाइन जो है आज अमेरिका में पढ़ेगा? नहीं नहीं हम शुरू करेंगे, हमारे ऑनलाइन में आकर के दुनिया का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हम इस बात को लेकर के जरूर चिंतित हैं और उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि स्तर कैसे करके बना रहे, अच्छा सा स्तर हो, हर हालत में हो अच्छा स्तर हो। और इसलिए यूजीसी इस दिशा में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है कि वो उसका कैसे करके वो उसके मानदंड हो। और मैं नेक को भी कहना चाहता हूं कि वो भी इस दिशा में, क्योंकि आगे हमारा जो ऑनलाइन शिक्षा का होगा उसके मूल्यांकन के तरीके अलग होंगे, उसका बिल्कुल अलग तरीके का होगा, तो किस तरीके से ये भविष्य में कर सकते हैं ये भी आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जब आगे आएंगे तो एक बैठक हम अलग से करेंगे, लेकिन यह हमने मन बनाया है और प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद है और उनका है कि हम कैसे करके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अभी एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र में कैसे करके होगा और बच्चे घर पर जो है मानसिक दबाव में है। तो अभी आपको मालूम है कि जो अभी जो आर्थिक पैकेज हम लोगों को घोषित हुआ है उसमें हम मनोदर्पण लेकर के आ रहे हैं। मनोदर्पण ऐसा, मेरे बच्चे का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उसको किसी भी स्थिति में उसका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। तो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे काउंसलर हो, और कैसी गतिविधियां उसकी हो ताकि वो स्वस्थ भी रहे, उसका तन और मन ये दोनों ठीक रहे, इसके लिए भी हम अभी इसी बीच हम लोगों ने इसकी भी तैयारी की है और इसको बहुत जल्दी हम लोग उद्घाटन करेंगे। हर यूनिवर्सिटी में इसके लिए भी एक हेल्पलाइन हम बना रहे हैं ताकि यदि कोई दिक्कत होगी, एक लाइन होगी, यदि किसी भी बच्चे को छात्र को कुछ पूछना हो तो हर विश्वविद्यालय में बनाएंगे और यहाँ यूजीसी में भी तैयार करेंगे उसको, तो छात्र मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वो कुछ कर सकता है। तो जो आपकी चिंता है कि छात्र कैसे करके इस दिशा में वो अपने को उभारे, ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज भी है और सही भी है, लेकिन हम लोग लगातार इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रही आपने कहा है कि रिक्त पद, बात सही है कि राज्यों में भी बहुत सारे पद रिक्त थे और हमारे भी संस्थानों में केंद्र में भी बहुत सारे पद रिक्त थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले रिक्तता भरनी चाहिए और उस रिक्तता को भरने के लिए हम पूरी ताकत से जुटे हैं। पीछे के समय क्योंकि कुछ हाई कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय हो गए थे जिसके कारण व्यवधान था संस्थानों में, तो उसका भी निस्तारण हो गया। पीछे लोकसभा में अब वो बिल पेश हुआ था और जिसमें हमने बिल्कुल संशोधन करके उसकी जो दिक्कतें थी वो भी दूर कर दी। अब तो सभी विश्वविद्यालयों को, सभी महाविद्यालयों को उस युद्ध स्तर पर अपने भर्ती को करना है और हजारों भर्तियां की हैं अभी तक, इतने कम समय में शायद कभी इतनी नियुक्तियां हुई होंगी। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास सूचनाएं हैं, राज्यों से सूचनाएं हैं, अपने संस्थानों से सूचनाएं हैं, वो बहुत अच्छी सूचना है कि हजारों 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 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और 12,000 से भी अधिक पद केंद्र के हैं जो विज्ञप्ति जारी हुई है और हजारों नियुक्तियां हुई हैं। और राज्यों से भी मुझे लगता है कि लगभग 30,000 के करीब जो है जो विज्ञापन उन्होंने जारी किया है जो उनके राज्यों में जो पद रिक्त हैं। तो ये बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यदि पद रिक्त रहेंगे तो उसका शैक्षणिक उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमको हम इस दिशा में भी बहुत तेजी से वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और काफी दबाव दे करके कर रहे हैं, लगातार संवाद में है हम। यदि किसी भी संस्था को यदि कोई कठिनाई होती है तो उसके साथ जुड़ करके हम लोग इसको करना चाहते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा कि बहुत जल्दी आपकी जो रिक्तता है ये भरी जाएंगी।
ये प्रश्न भी अभी आया है कि नई शिक्षा नीति कैसी होगी और कब तक आएगी, उसका क्या भविष्य होगा। तो मुझे लगता है क्योंकि पूरी दुनिया में शायद इतना बड़ा विमर्श पहली बार हुआ होगा, और आप तो सभी शिक्षाविद हैं, आप सभी शोध और अनुसंधान करते हैं, इतना बड़ा व्यापक कि करोड़ों करोड़ों लोगों तक उनको से परामर्श हो, हर स्तर के लोगों से परामर्श हो, अभिभावक से परामर्श हो, छात्रों से परामर्श हो, राजनीतिक क्षेत्रों से परामर्श हो, जनप्रतिनिधियों से परामर्श हो, ग्राम सभाओं तक से, 1,25,000 ग्राम सभाओं तक से, चुनिंदा ग्राम सभाओं तक से परामर्श हो, वैज्ञानिकों से परामर्श हो, विभिन्न संस्थाओं से परामर्श हो, और एक बार नहीं कई बार हो, तो मुझे लगता है इतना व्यापक परामर्श, और उसके बाद भी ऑनलाइन डाला हम लोगों ने सब लोगों के सुझाव मांगे, पब्लिक डोमेन में डाला था हम लोगों ने उस नीति को, उसमें भी लाखों सुझाव आए, उसका भी निस्तारण करने की हम लोगों ने कोशिश की। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति का मसौदा बिल्कुल तैयार है, और यदि किसी को रुचि हो तो सूत्र में मैं ये कह सकता हूं कि लगभग लगभग अभी जो मसौदा तैयार हुआ है, अभी तो उसको पास होना है, तब वो नीति के रूप में आएगा, वो जो लगभग लगभग जो मसौदा है वो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से युक्त होगी, वो प्रौद्योगिकी से युक्त होगी, वो भारत केंद्रित होगी, वो जहां भारत के पीछे का वैभव है उसको वैभव को लेकर के नए अनुसंधान शोध और नवाचार के साथ, नए प्रौद्योगिकी के साथ वो दुनिया के शिखर तक जाने के लिए सक्षम होगी। और जो ये नई शिक्षा नीति, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मुझे नए भारत के निर्माण की उन्होंने उनकी संकल्पना है कि नए भारत के निर्माण की जरूरत है। कैसे नए भारत के निर्माण की जरूरत? जो स्वस्थ भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो। स्वस्थ भारत, यदि स्वस्थ ही नहीं है किसी आदमी का, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो बेकार हो गया। और स्वच्छ, यदि मन केवल ये सफाई घर की और सड़कों की और इसकी सफाई का विषय नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा चिंतन और मंथन है सफाई, तो यदि किसी मन के किसी कोने पर कोई कलुष है तो वो भी साफ होना चाहिए। स्वच्छ, स्वच्छ मन होना चाहिए, ऐसा स्वच्छ भारत चाहिए जिसमें बहुत अकलुषितता हो, जिसमें पारदर्शिता हो, ऐसा स्वच्छ भारत चाहिए। सशक्त भारत चाहिए, ताकतवर चाहिए, हर क्षेत्र में ताकत चाहिए, चाहे वो अर्थ के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वो जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में उसका सशक्त होना चाहिए। और श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ होना चाहिए, सशक्त भी हो लेकिन उसमें श्रेष्ठता भी हो, क्योंकि ये देश कभी विश्वगुरु कहलाता था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मना त्वं स्वं चरित्रं शिक्षयन् पृथिव्यां सर्व मानवा। सारी दुनिया के लोग हमारे तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। क्या कोई दुनिया का आदमी, क्योंकि मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, आज तक कोई मेरे पास आया नहीं, बताया नहीं किसी ने कि तक्षशिला और नालंदा से पहले, विक्रमशिला से पहले भी क्या कि दुनिया में कोई विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के लोग पढ़ने के लिए जाते थे। और यदि किसी के पास ये उत्तर नहीं है का मतलब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में शीर्ष पर थे, जहां पूरी दुनिया पढ़ने के लिए आती है, हमारा वो वैभव था, हम उस पूरे वैभव को, हाँ जरूर सैकड़ों वर्षों के गुलामी की थपेड़ों ने हमारी जड़ों को कमजोर किया है, और मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप सिर्फ शिक्षाविद है, किस तरीके से भारत की गहरी जड़ों को काटने की कोशिश की है, लेकिन आज हम स्वाधीन है और हमारे नेतृत्व भी प्रभावशाली है जो चाहता है कि भारत को उसकी जड़ों पर खड़े होकर के विश्व के कल्याण की बातें हो। वो भारत चाहिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता हो, वो भारत चाहिए जो विश्वगुरु भारत हो, वो भारत चाहिए जिस भारत जो पूरे वसुधा को अपना परिवार मानता हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो। अभी भी तो आपने देखा इस महामारी में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों को पूरी दुनिया में भेजा है, क्योंकि हमारा संस्कार है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार है हमारा, हमने मानवता के कल्याण में कहीं हम पीछे नहीं रहे, इसलिए जो हमारा संस्कार है
हम फिर उस संस्कार पर भी खड़े होकर के ज्ञान और विज्ञान के साथ दौड़ेंगे, अनुसंधान के साथ दौड़ेंगे, नवाचार के साथ दौड़ेंगे, और हम एक नए प्रौद्योगिकी के साथ शिखर पर लेकर के अपनी उस शिक्षा को लेकर के जाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा नए भारत का निर्माण चाहिए, और उसका जो रास्ता है, जो उनकी परिकल्पना है कि $5 trillion की अर्थव्यवस्था चाहिए। और आज भी हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं, हर क्षेत्र में हमने अगुवाई की है। यदि पीछे के समय को आप देखेंगे तो ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार महसूस होता है लोगों को कि नहीं, भारत बहुत सशक्त भारत बन रहा है। और इसलिए वो जो सशक्त और श्रेष्ठ भारत के लिए, उसके लिए भी एक सूत्र जो दिया हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप। ये मेक इन इंडिया, हमारे पास तो कोई कमी तो नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, संघर्ष की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, तो फिर मेक इन जापान क्यों, मेक इन चाइना क्यों, मेक इन इंडिया क्यों ना हो। और इसलिए हमने भी अपने अपने संस्थानों में ये, जैसे अभी तक हमारे IIT थे तो उद्योग कुछ अलग होते थे, वो पाठ्यक्रम हमारा कुछ अलग होता था, नहीं, अब इन सब के साथ हम समन्वय करेंगे। जैसे हमने अभी चर्चा की कि अंतर विषय शोध करेंगे, दो विभाग आपस में मिलकर के तीसरी चीज को निकालेंगे, ऐसे ही हम लोगों ने तय किया है कि हाथों का जो कौशल है हमारा, हमारे छात्र में, हमारे युवक युवती में प्रतिभा है, मेहनत करने का जो है मादा है उसमें, और इसलिए हम अपने जो ये तकनीकी संस्थान है इनके साथ हम अपने छात्र को जोड़ेंगे, वही अनुसंधान करेगा, उसी पर अनुसंधान करके उस संस्था को ऊपर उठाएगा और नए नए आयाम स्थापित करेगा। तो निश्चित रूप में हाथों को रोजगार मिलेगा, मेक इन इंडिया होगा, यही हम शुरू करेंगे। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि ऐसे ऐसे अनुसंधान के जो पहले इस देश में बनता ही नहीं था, वो चीज हमारे हमारे संस्थानों में रहने वाले छात्र छात्राओं और हमारे प्राध्यापकों ने ऐसे शोध किए हैं, यहाँ हम एक से बढ़कर के एक शोधों को कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है चाहे मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया, आज हम बैठे हैं पूरा देश, हम आपस में आप देखिए ना कि ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग संवाद कर रहे हैं, और जब हम संवाद कर रहे हैं पूरा, तो मिनटों सेकंडों के हिसाब से पूरे देश में हम अपना विचार अपनी बात अपना रखें। और अब तो ऑनलाइन जो शिक्षा हुई है वो और एक कदम आगे जाकर के हमको नए आयामों की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो डिजिटल इंडिया हो तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप, ये 4-5 सूत्र $5 trillion अर्थव्यवस्था की दिशा में ये सशक्त कदम होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो हमको रास्ता दिया है। और उसका रास्ता नई शिक्षा नीति, इस जो नए भारत के निर्माण में ये जो नई शिक्षा नीति होगी वो उसका आधारशिला होगी, उस नए भारत की आधारशिला होगी। और इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो आपके मन में उत्सुकता थी कि वो नया भारत तो किस ढंग का होगा, जो नई शिक्षा नीति वो किस ढंग की होगी, तो मैंने सूत्र में ये आपको बांटने की कोशिश की है, और सब आपसे ही होकर के गुजरता है। आप तो हमारे योद्धा हैं, आप वो योद्धा हैं जो मार्गदर्शा हैं, आप पीढ़ी को खड़ा करते हैं, आपके माध्यम से ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपके माध्यम से जाना है, क्योंकि आप गुरु हैं। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है कि हमने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। ये तो गुरु शब्द हमारे यहाँ शिखर का था, आज भी है, आज भी हम उसको उन्हीं गुरु जन के माध्यम से ऑनलाइन को भी पूरी तरीके से आगे करेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज शिक्षा को और मजबूत करेंगे। और इसलिए जो आज आप सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप किसी न किसी संस्था को आप प्रिंसिपल हैं, आप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, आप संस्थानों के निदेशक हैं, आप पर पूरी नजर टिकी हुई है मेरे हिंदुस्तान की। ये जो आज ये 33-34 करोड़ छात्र छात्राओं को, यदि माता पिता को भी जोड़ दिया जाए तो आप प्रतिदिन 100 करोड़ लोगों को स्पर्श करते हैं, कम से कम 100 करोड़ लोगों को, आप समझ सकते हैं। और इसलिए ये जो आधार है हमारा, इसको हमको और मजबूत करना है, ताकत के साथ मजबूत करना है। मुझे भरोसा है कि जो आगे आने वाली परिस्थितियां हैं, इनका हम मुकाबला करेंगे,
और जो अवसर हमको मिल रहे हैं इन अवसरों को हम और ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इनके तो आज मेरे को बताया गया कि आज इस दायित्व के 2 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं इनके, तो आपको मेरी शुभकामना कि आपने ये अच्छा किया। हमारे सिंह साहब भी अब आ गए हैं मुझे ऐसा लगता है। सिंह साहब तो आप आपकी अनुपस्थिति खल रही थी अभी तक हमको, मैं आ गया सर। तो मुझे आपको भी धन्यवाद देना है। मैं अभी जब देख रहा था और एक प्रश्न भी आया था जिसमें ये कहा गया कि ये उच्च शिक्षा में यूजीसी ने क्या क्या किया, तो जो मेरे जानकारी में आया जैसे आपने दीक्षारंभ किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और अभी सभी प्रिंसिपल्स को भी कहना चाहता हूँ कि दीक्षारंभ जो छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए जो मार्गदर्शिका आपने तैयार की बहुत खूबसूरत की, बहुत अच्छी तरीके से की। LOC अब भी आपने बनाया है, तैयार किया है, जो पुरुष स्नातक शिक्षा के लिए अध्ययन और परिणाम पर आधारित रूपरेखा का है। आपने ICT आधारित शिक्षा के उपकरणों को भी किया है, जीवन कौशल से संबंधित पाठ्यक्रम मैंने देखा वो बनाया है। इसी बीच ये जो इस बीच एक वर्ष के कार्यकाल में आपने जिस तरीके से कुछ नई चीजों को किया है, समाज एवं उद्योग के संबंध में किया है, केयर शैक्षणिक और शोध आचार सहनीति उसको तो मैंने स्वयं ही उसका लोकार्पण किया था, स्ट्राइड का जो है जो अंतर विषय इसको भी मैंने लोकार्पण किया था, ये भी आपकी अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने की दृष्टि से मेरे छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। ये सतत भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका। मैं सभी प्राचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी कुलपति गण से, कि सतत भी पर्यावरण के अनुकूल और सतत परिसर के विकास की जो रूपरेखा उसके अंदर है बहुत अच्छा है। मूल्य प्रवाह, मानवीय मूल्य जो आज पूरी दुनिया जिन मानवीय मूल्यों को लेकर के आज खड़ी है और करा रही है, आज उसको भारत दिखता है कि भारत में मानवीय मूल्य होंगे तो ही जाकर के हम खड़े हो सकते हैं, और आचार नीति उसके साथ समाहित है। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का जो मूल्यांकन का जो किया है और जो परामर्श किया है वो भी एक अद्भुत है परामर्श। आपने जो NAC में शीर्ष पर रहे संस्थाएं उनके अगल बगल की जो संस्थाएं वो भी उस स्तर तक आए, उनको परामर्श दें, ये बहुत अच्छा आपका ये विषय है। गुरु दक्षिता वाला भी कार्यक्रम आपका बहुत, उसका भी लोकार्पण हुआ है। लीप प्रोग्राम है, लीप वाला जो जितने भी हमारे ये लीडर हैं उन लीडर के साथ कैसे करके नेतृत्व क्षमता का विकास हो सकता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं जो भी हमारे कुलपति गण हैं, डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो एक दिशा में शिक्षाविद हैं, अकेडमिक हैं, तो जो आने वाली छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनसे कई बार अनभिज्ञ रहते हैं तो परेशानी में आते हैं, तो वो छोटी छोटी समस्याओं को भी वो कैसे समाधान कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने लीप प्रोग्राम भी ये सुनिश्चित किया है। बहुत अद्भुत काम आप सब लोग कर रहे हैं, मुझे तो आपको धन्यवाद देना है और ये कहना है कि ये इस अवसर पर भी आप जबकि पूरी दुनिया करा रही है और हिंदुस्तान का एक नया इतिहास आप लोग बना रहे हैं, रात और दिन खपे हुए हैं, आप छात्र को आपने छोड़ा नहीं है, उसके साथ संवाद किया, विषम परिस्थिति में भी उसके साथ उसका पाठ्यक्रम को पूरा करना, किस तरीके से छात्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी जो लगभग 50,000 डिग्री कॉलेज के प्राचार्य गण आज जुड़े हुए हैं, सब लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं आपको नमस्ते करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके सभी सहयोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे कुलपति गण से मेरी लगातार बातचीत भी होती रहती है और मुझे खुशी है, मेरे विश्वविद्यालयों की जब जब मैं समीक्षा करता हूं अब मुझे बहुत उत्साह मिलता है। मैं जिस विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय के बारे में मैं बाकायदा डायरी रखता हूँ, कहाँ पर था मेरा विश्वविद्यालय, अब किधर तक पहुंच रहा है, कौन कौन गतिविधियां नहीं की हैं। मैं रेगुलर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरी आदत रही है, चाहे वो मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में भी दो बार मुझे कैबिनेट मंत्री होने का मौका मिला, मुझे मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य मिला, तो ये योजनाओं यदि कोई तय कर देते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे आना है, तो वो मुझे लगता है कि यदि टीम के साथ लगातार संवाद नहीं रहता है तो कई बार एक योग्य आदमी भी जिस समय तक उसको जिस रूप में करना है वो भी कई बार चूक हो जाती है, तो हम किसी भी चूक को रखना नहीं चाहते हैं,
इसलिए मुझे खुशी होती है कि हर विश्वविद्यालय एक से बढ़कर के एक काम कर रहा है, बहुत गौरव होता है। पीछे के एक साल का जब मूल्यांकन करता हूँ हर विश्वविद्यालय का, हर संस्था का, हर कॉलेज का, तो मुझे लगता है कि नहीं, लोगों में बहुत बहुत गतिशीलता है और कुछ नया करने की अभीप्सा है। क्योंकि यदि मन के अंदर कुछ उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है, उल्लास नहीं है, तो कभी कुछ होता नहीं है। तो जब यदि उत्साह होता है, उल्लास होता है और कुछ कर गुजरने का जो है अंदर से लालसा होती है, तो निश्चित रूप में नया आदमी करता है और कुछ रिजल्ट उसको निश्चित रूप में मिलता है। तो मैं एक बार फिर सभी से आग्रह करूंगा कि जो नए का प्रत्ययन का है इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन आप करिए, ताकि आपको आपका मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलेगा। कोई बात नहीं, पहले वर्ष में नहीं आएंगे कोई बात नहीं, दूसरे में आएंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे में आएंगे, लेकिन आएंगे। हमारा ताकत के साथ मन बन जाएगा, नहीं मुझको अपने रैंकिंग में आना है, तो जो छोटी छोटी कमियां हैं वो दूर होती चली जाती हैं, हमारा स्तर भी बढ़ता है। मिशन मोड में जब आते हैं तो काम करने का आनंद भी आता है। मैं देख रहा हूं कि जब भी मेरा ये अनुभव कहता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो हमेशा खुश रहता है, खुश वही रहता है जो मेहनत करता है, रात दिन जुटा रहता जो रिजल्ट निकालता है। और कुछ लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना कि वो मेहनत करेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा, वो मेहनत करेंगे तो उनको उनके जीवन का बहुत आनंद है, सुख है इसमें। और लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक अब शिकायत नहीं मिलती, क्योंकि मिशन मोड में सब है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक से बढ़कर के मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए, मेरे देश के लिए और मेरी शिक्षा के लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत सौभाग्य का विषय है। और एक बार पुनः जो पूरे देश के कोने कोने से आप आज जुड़े हैं, मेरी शुभकामना, आप अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मेरी शुभकामना। और जो हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा परिवार है जिसके आप लीडर हैं, जो पूरा भविष्य अब आपके हाथों में है, इसको भी सुरक्षित आप रखेंगे, तो मैं एक बार फिर इस अवसर पर आपको बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब आ गए, डीपी सिंह साहब, डीपी सिंह सर, योर लाइन इज अनम्यूटेड, यू आर गुड टू स्पीक इन द मीटिंग नाउ। ओके, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, हमारे नैक ईसी के चेयरमैन प्रोफेसर वी एस चौहान साहब, नैक के हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर एस सी शर्मा जी और पूरे शैक्षिक परिवार, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे परिवार का अंग है, तो उस पूरे बृहद परिवार, जो शैक्षिक परिवार है हमारा, विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे प्राचार्यों का, हमारे माननीय कुलपतियों का, उन सबकी ओर से सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और आपने देखा कि कितनी नई ऊर्जा के संचार के साथ उन्होंने अभी अभी हम सबको संबोधित किया है, हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की है, हमारे अंदर एक उमंग पैदा की है। और ये मैं देख रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी का स्वभाव है और इस स्वभाव में मैंने महसूस किया है कितनी बढ़ोतरी हुई है जब से ये वैश्विक महामारी हुई है। और लगभग दो माह से हम अनुभव कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है पूरे देश भर में, उस लॉकडाउन के दौरान माननीय मंत्री जी की जो सकारात्मक सोच है, कुछ न कुछ रोज नया करने की जो वृत्ति है, हम सबको मार्गदर्शन देने की जो क्षमता है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं समझता हूं कि हम सभी का ये सौभाग्य है कि ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे माननीय मंत्री हैं इस समय। और हम देख रहे हैं कि रोज वो किसी किसी रूप में कनेक्ट होते हैं, कभी विद्यार्थियों के साथ,
कौन लेके जाएगा? और आज उन्होंने, मैं माननीय जी का अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ तकनीकी कारणों से मैं पहले कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया। उनके नेतृत्व में रोज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, चाहे वह स्कूल शिक्षा हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में नई नई स्कीम्स लाई जा रहे हैं, नए नए डायमेंशंस आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हुई है। इस लॉकडाउन के दौरान भी आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि किस किस तरह से बहुत सारी चीज़ नई हुई हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन सब के लिए जो कुछ शैक्षणिक जगत के लिए किया जा रहा है और शिक्षा के माध्यम से इस देश के विकास के लिए और नए भारत के निर्माण के लिए जो कुछ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। मैं तो बस सिर्फ आज संक्षिप्त में आप सबसे यही कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सभी जो हमारे महाविद्यालय हैं सभी एक्रेडिटेशन कराएं, उससे जुड़ें, और उसके साथ साथ जो है जितनी भी रैंकिंग्स वगैरह हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें। हमारे ने तो उनके उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में लॉकडाउन के तुरंत पश्चात बहुत सारी कोशिशें की हैं जिसकी आपको जानकारी है। शुरुआत में ही हमने पूरे देश भर के महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जो भी हमारे ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, MHRD के द्वारा हैं, UGC के द्वारा हैं, हमारी CEC के द्वारा हैं, हमारे IGNOU के द्वारा हैं, या हमारे NIUS के द्वारा हैं, या हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं, उन सबको हमने सबके साथ शेयर किया, उनके लिंक्स प्रोवाइड किए। और रोज चाहे वो विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ हो, उनके वेलबींग हो, उसके बारे में एडवाइजरी जारी की। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी भी चर्चा में बताया, और इन सभी जो कुछ नई पहल हुई है UGC की, चाहे वो दीक्षारंभ हो, चाहे वो गुरुदक्षता हो, चाहे वो सतत हो, चाहे मूल्य प्रवाह हो, चाहे वो परामर्श हो, चाहे वो स्ट्राइड हो, सभी का लॉन्च आप ही के द्वारा किया गया है। तो उनके एक वर्ष के इस लगभग कार्यकाल में जो कुछ ये हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया गया है, तो वो दर्शाता है कि कितनी गतिशीलता के साथ पूरा देश शिक्षा जगत में आगे बढ़ रहा है। मैं तो सभी शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, और हमारे यहाँ तो गुरुकुल परम्परा से लेकर के अभी तक शिक्षक महत्वपूर्ण था, टीचर वॉज इम्पोर्टेंट, टीचर इज इम्पोर्टेंट एंड टीचर विल रिमेन इम्पोर्टेंट इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, एंड टीचर इज द पाइवट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स, टीचर्स आर द टॉर्च बियरर्स। और हमेशा हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमेशा कहा करते थे कि टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन बट इट इज ए मिशन। और इसलिए मिशन के रूप में हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल हैं, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी चर्चा में कहा ही है, कॉलेजेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कॉलेजेस इज वेरी हाई, नंबर ऑफ टीचर्स इज अगेन हाई इन द कॉलेजेस। तो इस तरह से जो पूरी की पूरी रोल है हायर एजुकेशन सिस्टम में, वो कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा है, कॉलेज टीचर्स का बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, चाहे UGC की स्कीम्स हो, चाहे गुणवत्ता में सुधार की बात हो, वो सब यदि आगे बढ़ाना है तो उसमें हमारे जो महाविद्यालय के शिक्षक हैं, हमारे जो प्राचार्य हैं, और कुल जो हमारे कॉलेजेस हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही अपेक्षा करूँगा अपने अध्यापकों से, अपने कॉलेजेस के प्राचार्य से, कि जो कुछ हमारी योजनाएं हैं और जो कि महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए हैं, महाविद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, महाविद्यालयों की हैंड होल्डिंग के लिए हैं, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने परामर्श की चर्चा की, उनके द्वारा ये लॉन्च की हुई स्कीम है जिसके अंतर्गत की हमने व्यवस्था की है कि जो हमारे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं,
वह दूसरे इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने अभी तक नैक की एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनके कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए, उनको परामर्श देने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत हमने जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मेंटोर इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, और जिनको लगभग 5 संस्थानों को उनको मेंटरिंग करनी है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हमने कहा है कि मेंटी इंस्टीट्यूशंस। तो मुझे खुशी है कि तत्काल इस योजना को माननीय मंत्री ने जैसे लॉन्च किया, हमने एप्लीकेशन इन्वाइट की और UGC की अपील पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिला और 167 इंस्टीट्यूशंस को एज मेंटोर इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई किया है, जिनके द्वारा 936 इंस्टीट्यूशंस को मेंटरिंग किया जाएगा और उनको आगे चल के नैक एक्रेडिटेशन के लिए तैयार किया जाएगा, उनकी इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल डेवलप करने के लिए कोशिश की जाएगी। UGC के द्वारा ये भी निवेदन किया गया है सभी महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों के माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, कि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं जो डॉक्यूमेंट के रूप में हैं, अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, तो मैंने स्वयं सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को और महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र लिख करके ये निवेदन किया है कि आप इस दौरान अलग अलग उसके लिए, चाहे वो सतत हो, मूल्य प्रवाह हो, चाहे गुरुदक्षता हो, चाहे दीक्षारंभ हो, इन सब के लिए 8 से 10 फैकल्टी मेंबर्स को लेकर के टास्क ग्रुप्स बनाएं और वो एक इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएं, जिससे जब अगला सत्र शुरू हो तो वहाँ महाविद्यालय और परिसरों में उससे संबंधित चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई दिखें। तो ये पूरी की पूरी कोशिश की गई है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पूरी की पूरी हमारी, जो जैसा कि कहा गया है कि हमारे यहाँ तो शिक्षा को मैन मेकिंग, करेक्टर फॉर्मेशन, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़ की बात स्वामी विवेकानंद जी ने की है, उसको ध्यान में रखते हुए द पर्पज़ ऑफ द एजुकेशन इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स, टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लेकिन अब तो जब वैश्विक महामारी का दौर है तो विश्व की अपेक्षाएं भारत से कुछ ज़्यादा हैं, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, जो नए भारत की हमारी पूरी की पूरी सोच है, उसके माध्यम से पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है, इसलिए पूरे विश्व को एक नई दृष्टि हमें देनी है, लोक कल्याण की दृष्टि देनी है, विश्व कल्याण के बारे में सोचना है, तो वो भारत ही दे सकता है। ऐसे मस्तिष्क यहाँ हमको गढ़ने होंगे, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होगा, तो न केवल अपने बारे में बल्कि पूरे देश के बारे में और पूरी मानवता के बारे में सोचें। और इसलिए मैं कहूँगा कि जब हम एजुकेशनल प्रोसेस की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि दी होल एजुकेशनल प्रोसेस शुड कंट्रीब्यूट टू वर्ड्स लर्निंग टू नो गुड, लर्निंग टू डू गुड एंड लर्निंग टू बी गुड। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि द टीचर शुड हैव लव फॉर टीचिंग एंड ऑल्सो दे शुड हैव लव फॉर लर्नर्स, तभी एक गुरु शिष्य के बीच एक आत्मीय संबंध बन पाएगा और अपनापन का जो संसार है वो आगे बढ़ पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जिस तरह से ऊर्जा का संचार किया है, मैं अपनी बात को उनका पुनः अभिनंदन करते हुए एक कविता के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा, और वो श्री रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता है पथिक नाम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस विषम परिस्थिति में भी हम अपना धैर्य बनाए रखें, संयमित रहें और अपने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जो कुछ अपेक्षाएं हमारे देश की, समाज की, राष्ट्र की हमसे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम यह सब कर पाएंगे, इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत हमारी ओर से स्वागत। May I request Professor Amay Kumar Rad to propose the vote of thanks now, please. Kindly give us a minute.
सर, अमिया कुमार सर इज गोइंग टू एड्रेस द ओथ ऑफ चाइल्ड्स इन अ मिनट. आज के इस चुनौतियों के अवसर के रूप में बदलने की अभियान पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का मैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर नाक के इस इंटरैक्शन के माध्यम से देश भर के 45,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, प्रोफेसर, डायरेक्टर्स और सभी शिक्षकों का COVID-19 महामारी और भारत की उच्च शिक्षा में संघर्ष के उपाय पर संबोधित किया. फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, देर आर मोर देन 70,000 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरेक्शन प्रोग्राम. सर, आपके इस बहुमूल्य विचारधारा से हमें COVID-19 महामारी के साथ चलते हुए उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जरूर प्रोत्साहन मिलेगा. धन्यवाद सर. यूजीसी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डीपी सिंह जी, नाक के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, नाक के निर्देशक आदरणीय प्रोफेसर एससी शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं. धन्यवाद सर. देश भर के सभी सम्माननीय वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, IQAC कोऑर्डिनेटर्स, सभी गुरुजनों को, मेरा प्रिय साथियों, मेरा सबको यहाँ उपस्थित के लिए नाक की ओर से धन्यवाद करता हूँ. इसके साथ सभी मीडिया वाले, YouTube, Facebook और Twitter से जुड़े सारे विद्वान जन का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू ऑल. थैंक यू. जय हिंद. Thanks everyone for joining in this event. NAC team will be doing a follow-up session, sending an email about the recording of this event. We would like to thank everybody joining in and making this a successful. Thanks once again.